हांसी शहर के पंचायती रामलीला ग्राउंड में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि इस सम्मेलन की अध्यक्षता भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और यमुना जगाधरी नगर निगम के मेयर मदन चौहान ने की। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जजमानी प्रथा के माध्यम से गाँव देहात में 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत बनाने का काम किया है। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र करके इस भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया। हांसी शहर भी इस आग की लपटों में आ गया था, परंतु यहाँ के लोगों की सूझबूझ ने भाईचारे को कायम रखा। उन्होंने कहा कि हरियाणा अपनी स्थापना के 52 वर्ष पूरे कर चुका है। इन वर्षों में प्रदेश में भाजपा के अतिरिक्त जो सरकारें रही उनके समय में यही चर्चा रहती थी कि यह किसी क्षेत्र विशेष, जाति विशेष या परिवार विशेष की सरकार है, परंतु आज मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य में ऐसी सरकार है जो 36 बिरादरी और 90 हलकों की सरकार के रूप में जानी जाती है। आज 90 हलकों में एक भी ऐसा परिवार नहीं जिसे सरकारी योजना का प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ न पहुंचा हो। पिताजी के साथी पार्टनर रहकर पांचाल समाज और बिरादरी से मिलकर के उन्होंने साथ रखा।